मैक्रम का कार्ड होल्डर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक स्टिक लिया है और यहाँ पे हमने लाइट ग्रीन कलर का कॉर्ड लिया है। इसे हमने 2.5 मीटर में कट कर लिए हैं। अब इन सभी कॉर्डों को हमें इस स्टिक में अटैच करना है। ये फ्रेंड्स, हमने कॉर्ड को फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे इस तरह स्टिक के अंदर से लेते हुए अटैच कर लेंगे इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे कॉर्ड इसमें स्टिक में अटैच किए हैं। यहाँ पे हमने 20 कॉर्ड अटैच किए हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक एक्स्ट्रा कॉर्ड ले लेंगे 1 मीटर का। इसे हम इस तरह, देखिए, इसे हम इस तरह यहाँ पे फंसा लेंगे और फिर हम इसमें ये वाले कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। इसे इस तरह रखेंगे और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह पाइपिंग करते चले जाएंगे। सारे कॉर्ड हमें इस तरह इसमें रैप कर लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरा पाइपिंग करके कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, ये हमारा ये थ्रेड है, इसे हम यहाँ पे ये स्टिक में इस तरह रैप कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे रैप हो गया है और जो हमारा यहाँ का कॉर्ड था उसे भी उसे और ये वाला कॉर्ड लेके हम दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए, हमें इस तरह की डिज़ाइन बनानी है। इसके लिए हमने यहाँ पे ये देखिए 4 कॉर्ड लिया है। ये जो हमारा पहला वाला कॉर्ड है इसे हम इस तरह रखेंगे और दूसरे कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड लेंगे, उसमें हमें थोड़ा गैप देना है। यहाँ पे बिल्कुल चिपकाना नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमें गैप देके पाइपिंग करना है। नेक्स्ट में हमें थोड़ा और गैप देना है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम ये वाला कॉर्ड लेंगे, फिर ये हमारे कॉर्ड दूसरे रैप करते जाएंगे। फिर हमें 4 कॉर्ड लेना है और इधर से ये वाला कॉर्ड पकड़ के हमें इस तरह रखना है और नेक्स्ट कॉर्ड से हमें पाइपिंग करना है। जैसे हमने यहाँ पे पाइपिंग किया था वैसे हमें यहाँ पे भी पाइपिंग करना है। फ्रेंड्स, देखिए, हमारा ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, ये वाले डिज़ाइन के हमें ये दो थ्रेड, इन दोनों पाइपिंग का दोनों थ्रेड लेना है और इधर के भी 2 थ्रेड लेके यहाँ पे एक सिंपल सा स्क्वायर नट लगाना है। इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा ये वाला जो कॉर्ड है, ये वाला देखिए, इसे हम इस तरह रखेंगे, वापस से रैप करते जाएंगे। हमने जो अभी यहाँ पे पाइपिंग किया है,
ये वाली लाइन का इसका फर्स्ट कॉर्ड हमें ये वाला कॉर्ड हमें लेके इधर के कॉर्ड इस वाले डिज़ाइन के कॉर्ड रैप करना है। फिर नेक्स्ट कॉर्ड यहाँ पे हमें गैप देना है थोड़े से। इसी तरह हमें यहाँ पूरी डिज़ाइन बना के तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स, दूसरी लाइन में हमने बताया था नेक्स्ट हम ये हमारी जो दूसरी डिज़ाइन है उसका हम ये वाला भाग ले लेंगे। इससे पहले वाले पाइपिंग के दो कॉर्ड, ये देखिए ये दो कॉर्ड और इसके दो कॉर्ड लेके हम स्क्वायर नेट बना लेंगे। इस तरह हमने स्क्वायर नॉट बना लिया है। अब इसे हम दो दो कॉर्ड में डिवाइड कर लेंगे, ये देखिए, और इसका हम ये वाले थ्रेड में रैप करेंगे गैप देके। जैसे हम यहाँ फर्स्ट लाइन में गैप दिया है वैसे हमें सेकंड लाइन में भी गैप देके सेम वही प्रोसेस करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन का हमने सेकंड कॉर्ड फर्स्ट कॉर्ड लिया और सेकंड कॉर्ड से रैप कर लिया। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में ये फर्स्ट कॉर्ड लिया और सेकंड कॉर्ड में से रैप कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हमें इस लाइन में सेम वही प्रोसेस करना है। ये फर्स्ट कॉर्ड हमने लिया और इसे इस तरह रखा और नेक्स्ट कॉर्ड से हमने रैप किया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी डिजाइन भी बनके तैयार हो गई है। इसमें फिर हमें जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगाया है वैसे ही हमें ऊपर के दो कॉर्ड लेके इस डिजाइन के ऊपर के दो कॉर्ड लेने हैं और इस इधर के भी दो कॉर्ड लेके हमें स्क्वायर नॉट बनाना रहेगा। इस तरह हम स्क्वायर नॉट बना लेंगे और वापस से हम इसी तरह डिज़ाइन बनाते हुए पूरा अपना ये डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक का बना के कंप्लीट कर लिया। ये टोटल हमने 5 लाइन बनाई है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2.5 मीटर का एक कॉर्ड और लिया है। इसे हमने इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है, इस तरह देखिए। और जो बीच वाला सेंटर है उसे हम बिल्कुल इधर लास्ट में कोने में रखेंगे। फिर फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे पाइपिंग करा था वैसे हमें यहाँ पे भी पाइपिंग करते हुए पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हमने ये लास्ट वाला है जो हमारा, इसमें हमें थोड़ा गैप देके पाइपिंग करना है। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमें सारे कॉर्ड से पाइपिंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पाइपिंग करके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, जिससे हमने अभी ये कॉर्ड स्ट्रेट लिया था 2.5 मीटर का और पाइपिंग करते हैं, इसे हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे और ये वाला जो कॉर्ड है हमारा जो हमने इधर साइड छोड़ा था उसमें हम रैप कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम रैप कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो ई वाला कॉर्ड है इसमें हमें एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच करने हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 1 मीटर का कॉर्ड लिया है, देखिए उसे हमने फोल्ड करके इस तरह और अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे कॉर्ड अटैच कर लिए हैं। यहाँ पे हमने टोटल 19 कॉर्ड अटैच किए हैं। फ्रेंड्स, अब जो हमारा ये कॉर्ड है इसमें हम
अपना सिंपल स्क्वायर नॉट लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने तो टोटल यहाँ पे 3 नॉट लगाए हैं। इसी तरह हमें 3-3 नॉट लगा के पूरा सर्कल तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा सर्कल बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, अब फ्रेंड्स हमारा नेस्ट, हम जो नेस्ट लाइन टाइप बनाएंगे उसमें हम इन दोनों नॉट के बीच वाले थ्रेड ले लेंगे। देखिए, दो इस नॉट के, दो इस नॉट के थ्रेड लेंगे और वापस स्क्वायर नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें भी, यहाँ पे भी 3-3 नॉट ही लगाने हैं जैसे हमने ऊपर लगाए थे। देखिए इस तरह, फिर नेक्स्ट दूसरा भी इसी तरह पूरा हम बना के अपना पॉकेट तैयार कर लेंगे जितना बड़ा हमें चाहिए होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बनके इतना तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन बना के तैयार किया है। अब फ्रेंड्स, हम इसको, ये जो हमारा हिस्सा है, इसे हम पैक करेंगे। इसके लिए हम ये बराबर में रख लेते हैं। और देखिए, ये देखिए हमारा जो एक आगे का नोट है, ये पीछे वाला नोट, इन दोनों को आपस में इस तरह रखेंगे और पीछे वाले नोट में से ये साइड के, ये देखिए, ये हमारा थ्रेड जो साइड वाला है, ये देखिए इस साइड, वो एक ले लेंगे और इस साइड का भी एक ले लेंगे और इन्हें इस तरह पकड़ के, इन थ्रेडों को, बीच वाले थ्रेडों को इस तरह पकड़ के सिंपल सा स्क्वायर नट लगा लेंगे। बाकी के थ्रेड खींच लेंगे नीचे की ओर, फिर स्क्वायर नट लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 4 नॉट लगा के तैयार कर लिया है। फिर नेक्स्ट, फिर से हमें ऐसे ही करना है। ये दो हमने एक ऊपर का और एक नीचे का नॉट ले लिया है और नीचे वाले नॉट में से लास्ट का और फर्स्ट का एक कॉर्ड निकाल लेंगे साइड साइड के और फिर स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 4-4 नॉट लगाए हैं। फिर हमें नेक्स्ट भी यही करना है, इसी तरह हमें पूरा बना के तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, जो हमारा ये नॉट जिससे हमने लगाया है, इसके ये दोनों थ्रेड बाजू में काट के इसे पीछे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह सारे कॉर्ड काट के हम स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्टिच हो गया है। फ्रेंड्स, जो हमारी ये कॉर्ड, एक्स्ट्रा कॉर्ड बचे हैं, इसे हम देखिए इतना हाइट से काट लेंगे। सारे कॉर्ड हम इसी मेजरमेंट से काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, जो हमने ये कॉर्ड काटे थे, इसे हम नीचे से थोड़ा सा थोड़ा मेल्ट कर देंगे ताकि ये हमारा कॉर्ड निकले ना, यहाँ के धागे ना निकले। इस तरह थोड़ा थोड़ा मेल्ट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे लटकन भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हमारा कार्ड होल्डर बनके तैयार हो गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए।